मरहूम अभिनेता सुशांत सिंह मामले में किरकिरी झेल रही महाराष्ट्र पुलिस अभी भी न ही सही दिशा में जांच कर रही है और न ही बिहार पुलिस को सहयोग ही कर रही है, जिसके चलते उसकी पहचान अब विलेन वाली होती जा रही है। उन्होंने गंभीरतापूर्वक कहा कि महाराष्ट्र पुलिस जिस प्रकार से बिहार पुलिस के विरुद्ध आचरण कर रही है, उससे यहाँ का मनोबल गिरने वाला नहीं। अपने व्यवहार से साख में बट्टा लगाने पर आमदा महाराष्ट्र की पुलिस को नसीहत भरे लहजे में बिहार पुलिस के मुखिया गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार पुलिस के जांच कार्य में वहां सहयोग नहीं किया गया तथा बाधा उत्पन्न की गई। देखिए, ये बहुत ही, इससे बिहार पुलिस का कोई मनोबल गिरने वाला नहीं है। इससे मनोबल अगर कोई, ये देखिए, हम पर भी जो पर्सनल अटैक हो रहे हैं या बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी पर पर्सनल अटैक हो रहे हैं, बिहार पुलिस के ऊपर मुकदमे हो रहे हैं, IPS अफसर को क्वारंटीन किया जा रहा है, इससे हमारा मनोबल गिरने वाला नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि चल पड़ा है कारवां तो बीच में रुकना मना है, विघ्न पथ को लांघना है, हार ना झुकना मना है। मैं रुकने वाला नहीं हूँ, न झुकने वाला। हम लोग केवल सुशांत के लिए न्याय चाहते हैं। और सीधी सी बात है कि अब देश की जनता को मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं, तो करने दीजिए CBI को। इतना अवरोध क्यों आप कर रहे हैं? CBI वाले आएंगे तो उनको भी क्वारंटीन कर लेंगे, IPS अफसर को क्वारंटीन कर लेते हैं, और टीम के लोग इन्वेस्टिगेशन करने गए थे तो उनको मुकदमा ठोक देते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे देश को? कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभिनेता सुशांत सिंह मामले में मुंबई पुलिस बैकफुट पर है और अब तरह तरह से झूठे हथकंडे अपना रही है। इस बीच बिहार सरकार और बिहार पुलिस की मुहिम इस मामले में और तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, SJP न्यूज, पटना।